और वो ये कि सबसे पहले तो हर बच्चा खास होता है, ये मैंने डिस्कवर किया अपने रिसर्च में, हर बच्चा खास होता है। हर बच्चे में हमारी तरह, आपकी तरह और हमारी तरह, हर बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। मुझ में भी कमज़ोरी है, काबिलियत है, आप में भी कुछ ना कुछ काबिलियत और कमज़ोरी है, और हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमज़ोरी और काबिलियत होती है। और हमें एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, एज एजुकेशन सिस्टम, हमें हर बच्चे की खासियत को पहचानना है, उसे मदद करनी है, उसकी उसकी क्या खासियत है, उसका क्या दिल चाहता है, उसे किस चीज़ में खुशी मिलती है, वो हमें उसको हेल्प करना है कि हम उसको वो ढूंढ सके, और उसमें हमें सपोर्ट करना है, और जो उसकी कमज़ोरी है उसमें हमें उसको सपोर्ट करना है। मुझे अक्सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मुझे बोलते हैं कि हम हमारे स्कूल में सारे बच्चे पास होते हैं, हमारे स्कूल में सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं, या हम जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें हमारे सारे बच्चे पास होते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है कि हमारे कितने बच्चे खुश हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, हाउ मेनी ऑफ आवर चिल्ड्रन आर हैप्पी। और वो जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है ना, वो मेरे लिए सबसे अहम है, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई तो हम सीख ही लेते हैं। जब मुझे कोई चीज़ सीखनी होती है तो मैं कुछ ना कुछ करके सीख ही लेता हूँ। हमारी फिल्म थ्री इडियट्स जब रिलीज़ होने वाली थी, रिलीज से पहले हमने कई स्क्रीनिंग्स रखे थे, टेस्ट स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हम ऑडियंस जैसे आप लोग हैं उनको बुलाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि फिल्म कैसी लगी। ऐसे एक टेस्ट स्क्रीनिंग हमने किया था बम्बई में, एक फैक्ट्री में कारीगर लोग काम करते हैं, तो करीब 25-30 कारीगर आए थे उस स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग के बाद उनका एक कारीगर था, उसने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने मुझसे ये पूछा, आप लोगों ने फिल्म देखी है थ्री इडियट्स, उसमें उसने मुझे एक सवाल पूछा जो बहुत कमाल का सवाल था। उसने मुझे ये सवाल पूछा कि सर, पिक्चर के अंत में हमें पता लगता है कि आप तो रणछोड़दास थे ही नहीं, रैंचो तो थे ही नहीं, आप तो सर्टिफिकेट तो आपको मिला नहीं, वो तो जावेद जाफरी को मिल गया, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए, इतने बड़े पेटेंट्स, 400 पेटेंट्स, जापानी लोग आपके पीछे पड़े हैं, तो आपको सर्टिफिकेट तो मिला नहीं, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए। बहुत ही अहम सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये जो मुद्दा है उसके हार्ट में जाता है ये, कि जब मैं एग्जाम के लिए रट के जवाब देता हूं और वो जवाब में मुझे नंबर मिलते हैं और मैं पास हो जाता हूं, तो मेरे हाथ में एक पर्चा आता है जो मुझे कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। लेकिन वाकई में पढ़ा लिखा हूं या नहीं, ये अभी तक हमको श्योर मालूम नहीं है। लेकिन जब आप नॉलेज चाहते हैं कि आपको मिले, विद्या मिले आपको, तो फिर वो कागज का मायने कुछ होता नहीं है। तो मैंने उसको जवाब में दो सवाल पूछे। मैंने बोला उसको कि भैया आपको क्या लगता है, मैं अच्छा एक्टर हूं? उसने बोला हाँ, देश भर में आप सब लोग मानते हैं आपको, आप अच्छे एक्टर हैं। मैंने उससे कहा कि भैया मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो कहता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं, मेरे पास कोई कागज नहीं है जो मुझे बोलता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं। मैंने फिर उससे एक सवाल पूछा कि आप, मैंने सुना आप बहुत अच्छे कटर हैं, आपके जो बॉस मुझे बताते हैं कि आप उनके मेन कटर हैं और आपकी बड़ी इज्जत करते हैं वो, आपके पास कोई पर्चा है, सर्टिफिकेट है जो मुझे बताता है कि आप कटर हो? उसने बोला नहीं सर। तो मैंने बोला आपका जवाब आपको इधर ही मिल गया। एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड ग्रेड्स, एजुकेशन इज व्हाट यू लर्न। और मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में हम एजुकेशन को इस नजरिए से देखें कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें, और शिक्षा हम खुशी से दें, क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं होता, शिक्षा में एक और चीज मिली हुई होती है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को डेवलप करते हैं एज ह्यूमन बींग्स, आगे चल के वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने, आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े रह सकें, आगे चल के वो इज्जत की जिंदगी जी सकें, आगे चल के वो दूसरों के बारे में ध्यान रखें, आगे चल के वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें, आगे चल के वो किसी की मदद कर सकें। दिस इज वॉट वी शुड डेवलप ऑफ आवर चिल्ड्रेन, ये मेरी फीलिंग है।